नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं कार्तिक नायक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राम मंदिर बनने और 22 जनवरी को हो रहे उद्घाटन समारोह और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF मंदिर परिसर की सुरक्षा संभालेगी। राम मंदिर की सुरक्षा की कमान उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में होगी। इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। यह राम मंदिर और रामलला की सुरक्षा देखेगी। अभी तक CRPF के हाथों में राम मंदिर की सुरक्षा है। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इसकी सुरक्षा CRPF के हवाले थी। SSF का गठन PSC और UP पुलिस के चुनिंदा जवानों को मिलाकर किया गया है। इन जवानों को सप्ताह भर की ट्रेनिंग के बाद तैनात किया जाएगा। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में कुल 280 जवान तैनात होंगे। इनमें से 80 जवान अयोध्या में पहुंच भी चुके हैं। अभी उनकी एक सप्ताह की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। इस दौरान उन्हें सुरक्षा चुनौतियां और उनसे निपटने को लेकर जानकारियां दी जाएंगी। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई को लेकर उन्हें लोकेशन और रूट मैप की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा PAC की भी 12 कंपनियाँ वहाँ तैनात हैं। वहीं बाहर पुलिस का पहरा भी है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए संसद व राष्ट्रपति भवन जैसी राम मंदिर की सुरक्षा का प्लान बन चुका है। SSF के सभी जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे। पूरे परिसर की निगरानी के लिए एक मॉडल कंट्रोल रूम भी तैयार बनकर हो गया है। 77 करोड़ के अत्याधुनिक हथियार भी खरीदे जा चुके हैं। परिसर में बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड की स्थायी तैनाती भी की जा रही है। अभी ज़रूरत पड़ने पे इन टीमों को बाहर से बुलाया जाता है, जो अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरें, क्योंकि खबरें की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।